तरफ से जब वो थे मतलब पावर में, तो क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से देखते हैं, क्या विजन लेके जो ये वेबसाइट का लॉन्च हुआ, क्या कहना चाहेंगे इस चीज को लेके? सबसे पहले तो मैं देश की जीत जो ये वेबसाइट लॉन्च हुआ है उसके लिए वसीम साहब को और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि एक अच्छा प्लेटफॉर्म उन्होंने तैयार किया है ताकि लोग जा कर के अपना चॉइस वहाँ पर बता सकें और लोगों को अपना राय रखने का उन्होंने एक मौका दिया है, इसलिए उनको बहुत मुबारकबाद। देखिए, देश की जीत तो प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ ही है और मोदी जी की जीत में ही देश की जीत है। पिछले पौने 5 सालों में, लगभग 5 साल होने को आ गए हैं, मोदी जी ने जो काम किया है देश नहीं पूरी दुनिया में, भारत का नाम जो है उन्होंने रोशन किया है। हर देश में जाकर के उन्होंने, पहले जो हमारा सम्मान था धीरे धीरे कम होता जा रहा था। अगर आप विदेशों में गए हैं, ज़्यादातर मैं कहूँगा अगर गल्फ कंट्री में हम जाते थे तो पहले भारतवासियों को बहुत अलग नज़र से लोग देखते थे, लेकिन जब से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं, सिर्फ गल्फ कंट्री नहीं बल्कि US जैसी कंट्री भी मोदी जी को और इस देश को मानने लगा है, सैल्यूट करने लगा है। और वो दिन दूर नहीं है कि मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बन करके इस देश को दुनिया में नंबर 1 बनाएंगे। ये जो लोगों का होता है कि पार्टी को सपोर्ट करना, कांग्रेस को या बीजेपी को या कोई अन्य पॉलिटिकल पार्टी है, इससे जरूरी है कि अच्छे कार्य को सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस बारे में क्या कहना चाहिए कि लोगों का विजन कितना चेंज होना चाहिए, थॉट कितना चेंज होना चाहिए इस चीज को लेकर, कि जो भी कार्य करे, जो भी पॉलिटिकल पार्टी हो, उस कार्य को सपोर्ट करे, उस काम को सपोर्ट करे। नहीं, देखिए, ऐसा है कि इस देश में यहाँ का सिस्टम ऐसा है कि पॉलिटिकल पार्टी ही जो है वो आगे चल करके चुनाव लड़ती है और सत्ता में आती है, इसलिए पॉलिटिकल पार्टी का बहुत मायने रखता है और लोग उसको पसंद करना वो बहुत बड़ा मायने रखता है। इसलिए जो लोग अच्छा काम करते हैं, जिस पार्टी की सोच अगर देश को लेकर के है, जिस पार्टी के नाम के साथ ही भारतीय जुड़ा हुआ है, तो वो जाहिर सी बात है कि वो देश हित में काम करने वाली पार्टी है, इसलिए लोग पार्टी को पसंद करते हैं। और जो हाल ही में बजट आया उसके अंदर क्या कहना चाहेंगे सर, हर वर्ग को मतलब रिलीफ मिला है, या किसान वर्ग हो या मिडिल क्लास हो या जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, तो वो कितना आपको बेहतर नजर आ रहा है? नहीं, मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 5 सालों में देश बहुत तरक्की किया है, डेवलपमेंट की ओर बहुत ही तेजी से गया है और पूरी दुनिया में भारत ने अपना एक अलग तरीके से पहचान बनाई है। ये बजट बहुत ही अच्छा है, इसमें किसान के लिए, गरीब के लिए, हर वर्ग के लिए मोदी जी ने ध्यान में रख करके ये बजट को दिया है और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में अगर हम दोबारा, मोदी जी वैसे भी जीत करके आ रहे हैं लेकिन आने के बाद में और अच्छा जो है इस देश के लिए वो बजट पेश करें। सर, आखिर में देश हित मायने रखता है, कुछ कुछ मुद्दे होते हैं जिसपे दो पॉलिटिकल पार्टीज को इंडिफरेंस होता है, जैसे मान लीजिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट का मुद्दा होता है, तो क्या कहना चाहेंगे कितना जरूरी है कि एक साथ मिलकर काम किया जाए देश हित के में, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज काम कर रही हैं देश में? देश के मामले में फिर अलग अलग पार्टी नहीं होती, वहाँ हम सब भारतीय होते हैं, वहाँ सब हम हिंदुस्तानी होते हैं, इसलिए जब देश का मामला है तो सबको मिलजुल करके उसमें जो सरकार रहती है उसको मदद करनी चाहिए, उसमें कोई मतभेद नहीं होना चाहिए। हमारे प्रवक्ता है मुंबई के योगेश वर्मा जी, उनसे भी सवाल करें वो बेहतर। अच्छा, हैदर सर, प्रियंका गांधी भी आ चुकी है मैदान में, लगता है कुछ फर्क पड़ेगा उससे? देखिए, ऐसा है कि सबको राजनीति करने का हक है और अब कांग्रेस के पास कुछ नहीं बचा है तो उन्होंने सोचा कि चलो प्रियंका को ला करके ट्राई कर ले, राहुल जी तो पूरी तरीके से पिटे हुए हैं तो प्रियंका को आगे करके कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मोदी जी के सामने मैं कहूंगा कि इनकी कोई हैसियत और औकात ही नहीं है कि उनकी बराबरी करें। लेकिन डंका पीट रहे कि 5 चुनाव 5 राज्य जीत चुकी है, अब देश जीतना बाकी है, डंका पीट रहे हैं कांग्रेस वाले, 5 राज्य जीत चुके हैं अभी। आपके जो ये वेबसाइट लॉन्च है, 1-2 दिन में ही आपको पता चल जाएगा कि देश कौन जीत रहा है और अगली सरकार किसकी बनेगी। यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि ज्यादातर बीजेपी वाले ही नजर आ रहे हैं हमें, यहाँ पे कांग्रेस का कोई नेता यहाँ पे मौजूद नहीं है, जबकि यहाँ पे दोनों को प्रोटेक्ट किया हुआ है। वो छुपाते भाग रहे हैं, उनके पास जवाब देने के लिए कुछ नहीं है, तो इसलिए वो आएंगे क्या और आपको सामने बात क्या करेंगे। हमने 5 सालों में काम किया है, देश के लिए काम किया है, लोगों के विकास के लिए काम किया, इसलिए हम जनता के सामने जा रहे हैं, मीडिया के सामने जा रहे हैं और हमारे पास बोलने के लिए बहुत कुछ है,
तो हमको मुंह छुपाने की जरूरत नहीं। यहाँ पे सिर्फ पोस्टर पे दो नेताओं को दिखाया गया है, जबकि पीएम पोस्ट के लिए और भी कई नेता प्रबल दावेदार अपने को बता रहे हैं, मायावती जी हैं, ममता बनर्जी जी हैं, उस बारे में क्या कहेंगे? नहीं, मुझे लगता है, देखिए ऐसा है कि देश की जनता तय करेगी कि पीएम का दावेदार कौन है और अगला पीएम कौन है, लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री बनने के लिए जो होड़ लगा हुआ है, तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री की कुर्सी हटा करके दरी बिछा देना चाहिए और सबको उस पे मौका देना चाहिए बैठने का। वर्मा जी, मेरा सवाल आपसे होगा, जैसे ईवीएम पे सवाल उठाया जा रहा है, तो कल को इस वेबसाइट पे भी सवाल विपक्ष उठा सकती है कि मोदी जी की वेबसाइट है, सारे भाजपा के लोगों ने ही लॉन्च किया है। अभी कांग्रेस के पास कोई दूसरा मुद्दा है ही नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट पे सवाल खड़ा करते हैं, वो सीबीआई पे सवाल खड़ा करते हैं, और तो और वो मिलिट्री द्वारा किया गया सर्जिकल स्ट्राइक पे सवाल खड़ा करते हैं। तो मुझे लगता है कि जिसका नेता ही मंद बुद्धि हो और जिसका नेता की कैटेगरी क्या है, यानी लोग एक और जिस जो सुबह से हंसता नहीं है वो एक ना एक वीडियो देख लेता है ऐसे नेता का, तो ऐसे नेता की जो पार्टी है, तो उसके दिमाग में इसी टाइप के सवाल आएंगे ना। कल तो आप कैमरा लेके खड़े हैं और यहाँ पर कोई कांग्रेस वाला आ जाता तो क्या बोलता, आपका कैमरा बताओ ये सच्चा है कि झूठा है। तो ये कोई बात है, ये इसको अब क्या बोलेंगे, इसको मंदबुद्धि बोलेंगे ना। हम लोग तो देखते रहते दिन भर व्हाट्सएप पे, तो इस किस्म के सवाल करने वाले को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेना चाहिए। ये देश का चुनाव बहुत सीरियस विषय है, देश की आपके मेरी आने वाली पीढ़ियों के इससे हम सब बंधे हुए हैं, इतना सीरियस विषय है। आपके पास तो लोगों के बीच पहुंचने का माध्यम है, आप लोग सच्चाई और झूठ का आईना हो, और इस किस्म का झूठ और कैमरे के सामने भी चलने लग जाएगा तो उस वक्त ये देश कहाँ जाएगा? सबसे पहली देश की आंख अगर कोई है तो आप लोग हो, आप लोग सबसे पहले जज हो, क्योंकि आप हर वो इंसिडेंट्स, हर वो चीज के साक्षी सबसे पहले आप हो। तो मुझे लगता है कि ये जैसा अभी इन्होंने कहा कि प्रियंका जी आ गई, तो ये देश क्या राजा राजकुमारों का है क्या? ये देश में टैलेंट बोलेगा ना, आप देखेंगे वो कितने टैलेंट के कार्यक्रम आते हैं शाम को, एक एक गरीब गरीब घरों से, इस देश के ऐसे ऐसे गांव से जिसका आपने मैंने नाम नहीं सुना, वहां के छोटे छोटे बच्चे, चार चार साल के बच्चे जब स्टेज पे आते हैं ना, बड़े बड़े स्टार खड़े हो जाते, कुर्सी पर खड़े हो जाते हैं। अब क्या बात करते हैं, ये देश टैलेंट का देश है, ये देश भगवान के आशीर्वाद का देश है। यहां पर हमने फकीरों की पूजा करते हैं, फकीरों की पूजा इसलिए नहीं करते कि वो फकीर है, इसलिए पूजा करते हैं कि उस फकीरत में भी एक टैलेंट है, वो देश को कुछ देना चाहता है। ऐसे टैलेंट के देश में इसकी भैनजी आ गई, इसका भाई आ गया, इसकी बुआ आ गई, इसका मामा आ गया, ये कितनी, हम कितना सीरियस विषय को हम इसको स्पिन कर रहे हैं, जिसका नुकसान किसी और को नहीं होगा, जिसका नुकसान हमारे भारत देश को होगा, जो किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं है। इस बॉर्डर पे 20-20 साल के बच्चे -40 डिग्री में बंदूक लेकर के और एक आंख बंद करके टारगेट के ऊपर देख रहे हैं, क्या उनका बिजनेस है क्या इस देश को बचाने का? क्या हमारा कोई बिजनेस नहीं है इस देश को बचा, क्या हमारा कोई अधिकार नहीं है, क्या हम लोग सीरियस नहीं है, क्या हम लोग मजाक कर रहे हैं, क्या उनकी जो शहादत है सिर्फ इस पे रोने के लिए हम बैठे हैं? जितना उनका फर्ज है ना उन बच्चों को बचाना, यह हमारा फर्ज है। अच्छी सरकार आएगी तो उनके पास में अच्छे वेपन आएंगे, बुरी सरकार आएगी तो ऐसा मिग उन बच्चों के हाथों में दे देंगे कि देश के लिए जमीन से आसमान पे उड़ेंगे, लेकिन बगैर युद्ध के वहां विस्फोट का और गोला बन जाएंगे और बेचारा हमारा वो बच्चा शहीद हो जाएगा। ये बहुत सीरियस विषय है, ऐसे सीरियस विषय पे मुझे लगता हर व्यक्ति इसमें सीरियसली इन्वॉल्व है और पूरा देश इसमें सीरियसली इन्वॉल्व है। एक और पूरे घोटाले और शैतानियत आपने देखा होगा अभी 2 दिन पहले के पुलिस कमिश्नर को बचाने के लिए एक मुख्यमंत्री बैठ गए उसके दरवाजे पर, और पुलिस कमिश्नर ने ऐसा कौन सा दांडी मार्च करके आया था जो एक मुख्यमंत्री बचाने बैठ गई? 40 लाख लोगों की गाढ़ी कमाई का पैसा, 40,000 करोड़ रुपए का इस देश का रिकॉर्ड सबसे बड़ा घोटाला, सारदा, नारदा, रोज वैली, इन सारे घोटालेबाजों को बचाने का काम जिस पुलिस कमिश्नर ने किया,
सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में बनी हुई सीबीआई की टीम जब उससे जांच करने के लिए उसके यहां पहुंचती है, उसके यहां क्यों पहुंचती है? क्योंकि वो तीन तीन समन देने के बावजूद सीबीआई के ऑफिस में नहीं आता है, और जब सीबीआई टीम उसके यहां पहुंचती है उसकी जांच करने के लिए, तो सीबीआई की टीम को उठा करके पुलिस बंद कर देती है अपराधियों की तरह। और मुख्यमंत्री उस पुलिस, जहां मुख्यमंत्री को 40 लाख इन्वेस्टर्स के पैसे की रक्षा करनी चाहिए, वो इस घोटालेबाज की रक्षा करने के लिए बैठ जाती है, धरना देती है। ये भयानक 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 कांड है। आपको और मेरे को हाथ खोल के बैठना पड़ेगा। आप सब लोग इतनी मेहनत करके जो पैसा कमा रहे हैं, आने वाले दिनों में कहीं आप इन्वेस्ट करेंगे और आपको पता लगेगा कि आपका पैसा डिफरेंट डिफरेंट रूट से मॉरिशस और दुबई चला गया, और आपने जिस फर्म में इन्वेस्ट किया और सारा पैसा डूब गया। साहब, आत्महत्या, हजारों आत्महत्या हुई है वेस्ट बंगाल में। ये देश और राजनीति मुझे लगता है सबसे सीरियस विषय है। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में इन सब चीजों में अगर कोई एक व्यक्ति इस सारे राजनीतिक मंथन से होकर के बाहर निकला है और जिसने फ्लाइंग कलर्स से अपने आप को प्रूव किया है, वो एक ही व्यक्ति है, जिस व्यक्ति का नाम है नरेंद्र मोदी। और वो ही इस देश को के ऊपर, वो देश पे राज नहीं कर रहा है, लोगों के दिलों पे राज कर रहा है। जब सोशल मीडिया पे कोई भी व्यक्ति मोदी जी के बारे में कुछ बोल देता है, तो आप देखो उसके सामने क्या परिणाम निकलता है। उसको अपना ट्विटर और फेसबुक का अकाउंट बंद करना पड़ता है। आम जनता के दिलों पे राज करने वाला व्यक्ति इस देश पर राज करना चाहिए। क्योंकि जो पिछले जो चुनाव हुए 5 राज्यों में कांग्रेस की सरकार आई, उसके बाद से कांग्रेसियों का कहना है कि मोदी लहर खत्म हो रही है। देखो, ये तो कांग्रेसियों की खुशफहमी अभी कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएगी। ये तो कभी कभी ये सब हमारी सरकारें, 4-4, 5-5 बार की सरकारें थी, कभी कभी लोग उसको ट्विस्ट करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि उसमें कुछ बहुत ज्यादा परिवर्तन आने वाला है। आपने देखा होगा उसमें बहुत बड़े पैमाने पर नोटा की वजह से ये सारी कांग्रेस की सरकारें और बनी है, जो बहुत ही टेम्पररी है, और कुछ दिनों में आप देखेंगे ताश के पत्ते की तरह गिर जाएगी। सर, जानना चाहूंगा ये जो वेबसाइट है देश की, कितना इनोवेटिव, कितना यूनिक नजर आ रहा है आपको, और बहुत ही न्यूट्रल प्लेटफॉर्म है, तो आगे किस तरह से बदलाव देना चाहते हैं, क्या इनपुट देना चाहते हैं कि किस तरह से और सुधार हो, एक बड़ा ब्रांड की तरह क्रिएट हो ताकि हर लोग को मालूम चले इस वेबसाइट के बारे में? नहीं, ये मुझे लगता है कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव है लोगों को अपनी राय रखने का, और इस देश में क्योंकि हमको डेमोक्रेसी है अपनी बात रखने का, तो ये अच्छा इनिशिएटिव है। इस तरीके की चीज़ें होनी चाहिए ताकि आप फॉरेन में जाएंगे तो वहाँ इलेक्शन में लोग जाते नहीं है वोट मांगने, लोग वेबसाइट के माध्यम से उस कैंडिडेट के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं और फिर अपना वोट जा करके देते हैं। तो बहुत ही अच्छा पहल है, इसलिए मैं वसीम जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा। इस तरीके की चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहिए। थैंक यू। मोदी जी का हमारा सपना ही है डिजिटल इंडिया, डिजिटल भारत का, उसी को आगे लेकर के जा रहे हैं वसीम भाई और उनकी पूरी टीम, इसलिए भी वो धन्यवाद के पात्र हैं। हाय, पूछना है? पूछ दो डड़ा भाई। हेलो, चेक। वर्मा जी, मेरा सवाल आपसे है, भारतीय जनता पार्टी का ये है कि लेआउट, या मोदी जी की बात करें, लेआउट तो तैयार है उनका, और बहुत सारे ऐसे काम भी हुए हैं जिनकी तारीफ भी करनी चाहिए, जैसे स्वच्छ भारत अभियान हो या नमामि गंगे हो, ऐसे बहुत सारे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बहुत ऐसे सारे काम हुए हैं जिनकी तारीफ होनी चाहिए। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये उठता है कि 15 लाख नहीं आया है, वो कब आएगा? काला धन भी नहीं आया। मैं कहता हूँ जब तक वो 15 लाख नहीं आए तब तक आप मोदी जी को जिताते रहो। ये तो मैं फिर वापस वही बात कह रहा हूँ कि ये देश कहावतों का देश है, और हम कोई भी बात कहते हैं तो उसके साथ में एक नई कहावत लगा लेते हैं, कभी हम किसी का एग्जांपल देते हैं, कभी किसी का एग्जांपल देते हैं। तो इस किस्म का किसी एग्जांपल को पकड़ के इतने अच्छे किए हुए कामों के ऊपर अपन टीका टिप्पणी, मुझे लगता है एक वो विषय है, वो सिर्फ कांग्रेस जी तक के रहने तो उन्हीं को चाहिए वो 15 लाख। लेकिन सर, इसमें जीएसटी की बात करें, जीएसटी भी, नोटबंदी, काफी सारी बातें हो रही है ना, जो भी देश के लिए जरूरी था। आपको शायद बताऊं, बैंकों में इस देश में लगभग 4 लाख करोड़ रुपए की एक्सेस करेंसी, जिसको पैरेलल करेंसी बोलते हैं, नकली नोट, जाली नोट इस देश में घूम रहे थे, और ये पूरा का पूरा पैसा
इस देश को तबाह बर्बाद करने के कामों में आता है। सारे स्टेट्स के अंदर जितने भी छुपे हुए माओवादी है, नक्सलाइट्स है, छोटे छोटे ऐसे संगठन जो इस देश के लिए घातक है, ऐसे लोगों के पास इस पैसे को पहुंचने की पूरी संभावनाएं थी। आपको शायद पता होगा, ये तो मैं आपको फिर कहता हूं कि जो हमारा मंदबुद्धि विपक्ष है उसके दिमाग की उपज है। मोदी जी ने जब यह फैसला लिया तो 8 नवंबर के दिन पहले तीनों सेनाओं को कॉन्फिडेंस में लिया और तीन सेना के अंग ने मोदी जी को कहा यह करने के लिए। अगर किसी ने उस दिन को अगर ध्यान से देखा होगा तो एक और कैबिनेट के लोग सारे बैठे थे, उससे पहले इस देश के तीनों सेना के प्रमुख बैठे थे, उनके साथ चर्चा करके मोदी जी ने किया। तो मुझे लगता है कि सेना को जिस चीज में देश का हित लगा, क्या वो देश का अहित हो सकता है क्या? इस नोटबंदी की वजह से आपने देखा होगा कि पहले लोगों को आदत ही नहीं थी कि हम कोई बैंकिंग ट्रांजेक्शन करें। देश की जब कोई इकोनॉमी चीजों को सेट करते हैं तो डेटा तो होना चाहिए कि कितने लोग बिजनेस में है, कितने लोग जॉब में है। इस तरह का बड़े पैमाने पर कैश का अगर सर्कुलेशन होगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि इस देश में असली डेटा क्या है। तो मुझे लगता है कि ये दोनों ही चीज देश के लिए बहुत जरूरी था। और आपने देखा, अगर उस वक्त अगर लोगों को पसंद नहीं आता ना, तो इस देश में इतने बड़े पैमाने पर दंगे होते हैं, लेकिन देखो एक भी किसी ने भी एक पत्थर भी नहीं फेंका। मैं तो आपको एक बहुत किस्सा, मुझे लगता है कि पत्थरबाजी रुक गई, कश्मीर की पत्थरबाजी रुक गई। मैं एक छोटा सा किस्सा आपको बताना चाहता हूँ। जब ये नोटबंदी का चल रहा था और बैंकों के अंदर लाइन लग रही थी, भीड़ लग रही थी, तो मैंने ही एक ऐसी बैंक की शाखा के सामने एक चाय का और बिस्किट का स्टॉल लगाया, तो एक लड़की आई और उसके पिता को साथ में लेकर के, बस बहुत थोड़ी सी रोशनी उसकी एक आंख में रही होगी, और उसने कहा कि 4 दिन के बाद उस बच्ची की शादी थी, वो खुद बेचारी 10 साल से काम करके उसने अपने पैसे इकट्ठे करके बैंक में डाले थे और वो पैसे वो निकाल नहीं पा रही थी, और कुछ ही दिनों के बाद शादी थी और अपने बाप को ऐसे हाथ से पकड़ के वो यहां से वहां ले जा रही थी। तो उसने हमको कहा कि मुझे पैसे की जरूरत है। बहुत भाग दौड़ की हमने, लेकिन उस वक्त आपको पता है कि जो कुछ ही पैसा उन लोगों को मिल पा रहा था, तो किसी ने, एक जन ने उस लड़की को कहा कि ये तो बहुत गलत हुआ। लड़की ने तुरंत उसको रोक दिया कि नहीं, मोदी जी ने जो किया है ये देश के हित में किया है। ये बात जो जो भी उस घटना के साक्षी है, हर व्यक्ति के दिल में थी कि ये बात होनी बहुत जरूरी है। हो सकता है मेरा कुछ नुकसान हो रहा हो, लेकिन इसमें यहां लिखा है ना, देश का नुकसान नहीं होना चाहिए। मेरा कितना भी नुकसान, नेशन फर्स्ट, नेशन से बड़ा कोई भी नहीं है, न मैं हूं, न मेरी जात है, न मेरा धर्म है। इस देश में अगर हमारा सबका कोई नेता है तो हमारा तिरंगा झंडा है जिसके सामने हम मरने मारने को भी तैयार है। तो दोस्तों, ये सब चीजें जो भी देश के लिए जरूरी थी, तीनों सेनाओं के प्रमुख ने, आपको ऐसा लगता है अगर योजना ठीक नहीं होती तो उसको चलने देते क्या? एक मिनट भी चलने नहीं, तीनों की सहमति से ये योजना आगे बढ़ाई गई है। तो मुझे लगता है कि ये आपको बताना थोड़ा सा जरूरी था। वसीम भाई, आपसे भी जानना चाहेंगे क्या है, क्योंकि आपके पास भी बहुत पदभार है भारतीय जनता पार्टी का, लोग सवाल भी करते होंगे कि मेरे खाते में 15 लाख नहीं है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? मुझे लगता है 15 लाख बोलकर नहीं आए, लेकिन 15 लाख अमाउंट जो है अलग अलग रूप में हमारे देश में आ गए हैं, हमारे खातों में आ गए हैं, अलग अलग माध्यम से, जो मोदी जी ने सारी योजनाओं के तहत हमारे साथियों को, हमारे गरीब लोगों को, हमारे लोगों के बीच में पहुंचा दिया है। तो आप 15 लाख उस रूप में भी देख सकते हैं कि वो 15 लाख अलग अलग रूप में हम तक पहुंच चुका है। ये जरा पोस्टर के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी दें वसीम भाई, कैसे जहन में आया कि हाँ मुझे इस तरीके का काम करना है? देश की जीत जो प्लेटफॉर्म है उसके बारे में, पोस्टर के बारे में, और ये जहन में कैसे आया? जी